एक सेठ जिसके घर पर ही एक छोटी सी दवाई की दुकान थी, वहां पे महेश नाम का एक व्यक्ति काम करता था। महेश का काम था छोटे छोटे दवाई दुकान से ऑर्डर लाना, माल की सप्लाई करना और साथ में पैसे की तगादा करना। उस समय यह दुकान बहुत बड़ी नहीं थी। महेश बहुत ईमानदारी से काम करता था। राम राम भाई। राम राम महेश भाई। और भाई आज का ऑर्डर क्या है? अरे इतनी भी जल्दी क्या है, बताता हूँ। जल्दी बताओ, और भी जगह जाना है। ये लो ऑर्डर लिख लो। इस तरह से महेश ऑर्डर लेता था और दुकान से माल लाके देता था और बाद में पैसों की तगादा करता। रोज रात का खाना वहीं पे मिल जाता था, जिसे लेकर वह अपने घर चला जाता। महेश काम खत्म हुआ, खाना पैक हो गया है, इसीलिए ले। ठीक है भाभी, मैं ले लूंगा। रोज समय समय पे चाय नाश्ता, कभी कुछ पकवान कांता बनाकर देती थी। त्योहार के समय कपड़े भी मिल जाते थे। इसी तरह से महेश काम करता रहा। रात को रात नहीं समझता, रोज रात को घर देर से पहुंचता था। आप कितना काम करते हो जी, रोज आपको आने में रात हो जाती। मेरी प्यारी धर्मपत्नी, काम नहीं करूंगा तो खिलाऊंगा क्या? समय पे घर नहीं पहुंचते हैं तो मुझे घबराहट होती। घबराहट? घबराहट किस बात की? मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। खैर छोड़ो, खाना लगा। इसी तरह से महेश मन लगाकर काम करते रहा। महेश ने अपने जीवन का 15 साल दे दिया। धीरे धीरे सेठ जी की व्यापार बढ़ गई, धन दौलत भी काफी हो गए थे। अब सेठ जी पहले की तुलना में ज्यादा धनवान हो गया था। सेठ को धन का घमंड होने लगा। पहले तो महेश की काम की सराहना करते थकते नहीं थे, लेकिन अब समय बदल चुका था। अब महेश के काम में कुछ न कुछ गलती निकालकर उसे नीचा दिखाने लगा। महेश समझ गया था, सेठ जी अमीरों की भाषा बोलने लगे। वह अंदर ही अंदर टूटने लगा, दुखी रहने लगा। एक दिन समय आया, उसे काम से निकाल दिया, वह भी झूठे चोरी के आरोप लगाकर। आप इतने उदास क्यों हो जी, क्या हुआ? क्या कहूं भगवान, 15 साल ईमानदारी से काम करने की सजा मिली मुझे, जहाँ पे मैंने अपने जीवन का 15 साल दिया, आज वहीं से चोर कहकर निकाला गया। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चिंता नहीं करो तो क्या करूं? जो कुछ था सब खत्म हो गया, अब कैसे चलेगा? मेरे मन में एक सुझाव आया है। आपको तो इस लाइन की वर्षों का अनुभव है, लोग आपको जानते भी है, क्यों ना यही व्यापार शुरू की जाए? वो तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। वास्तव में यह चिंता का विषय था। कोई व्यापार बिना पैसों की शुरू करना हलवा है क्या? काफी सोच विचार करने के बाद अपने घर को गिरवी रख दिया। और उसी पैसों से एक दवाई की दुकान खोल दी। कलावती दुकान संभालती थी और महेश
सप्लाई करता था। देखते देखते समय के साथ दुकान चलने लगा, उसका व्यापार बढ़ने लगा। और वो लोग अमीर हो गए। अब उनके पास बड़ी घर, गाड़ी, सुख सुविधा के सभी साधन मौजूद थे। आज महेश गरीब नहीं रहा, उसके ईमानदारी ने एक सफल व्यापारी बना दिया।